हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एनआईटी त्रिची की 2022 की प्लेसमेंट्स बताऊंगा डिटेल में। और यहां पर आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो क्या क्या बताऊंगा। ब्रांच वाइज सारे स्टैट्स बताऊंगा, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 2022 बैच में, कितने ने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, कितने प्लेस्ड हुए, क्या प्लेसमेंट रेट रहा, क्या हाईएस्ट पैकेज है, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज और ओवरऑल स्टैट्स बताऊंगा ब्रांच वाइज। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एनआईटी त्रिची की यार देखो कहीं भी प्लेसमेंट्स नहीं अवेलेबल है, इसीलिए बहुत मुश्किल से मिली है, वो भी 2022 की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। सिविल में टोटल 102 स्टूडेंट्स हैं 2022 बैच में, जिसमें से 66 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर किया, उसमें से 51 प्लेस्ड हुए। टोटल जो प्लेसमेंट रेट है वो 77% है। पैकेज भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट पेजेस में। केमिकल की बात करें, 122 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें से 100 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और यार 98 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए। 98% प्लेसमेंट रेट है केमिकल में यार। सीएस की बात करें, 107 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 79 ने रजिस्टर किया, 73 प्लेस्ड हुए। सीएस में भी 92% प्लेसमेंट रेट गई है, केमिकल तो कमाल कर दिया। बात करें ट्रिपल ई की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 108 स्टूडेंट्स हैं टोटल बैच में, जिसमें से 91 ने रजिस्टर किया, 81 प्लेस हुए। टोटल 89% प्लेसमेंट रेट होती है। ईसीई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, 117 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 88 ने रजिस्टर किया और उसमें से 77 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए, 87% प्लेसमेंट रेट। आईसीई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, 65 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 47 ने रजिस्टर किया, 40 प्लेस्ड हो गए, 85%। बात करें एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 97 टोटल स्टूडेंट्स 97 थे 2022 बैच में, बीटेक की बता रहा हूँ सारे स्टैट्स, 78 ने रजिस्टर किया और उसमें से 71 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए 91%। ऐसा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये मैंने पूरा बनाया है, ये पूरी पीडीएफ फाइल मैंने आप सभी के लिए रेडी की है। एमएमई मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करें, 105 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 88 ने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर किया, 85 प्लेस हो गया, 96% कमाल के प्लेसमेंट्स यार, बेस्ट एनआईटी है। प्रोडक्शन की बात करें, 69 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें से 56 ने रजिस्टर किया, 51 प्लेस्ड हो गए, 91%। और ये ऑफिशियल प्लेसमेंट्स हैं। हाईएस्ट पैकेज दिखाता हूँ, फिर चलेंगे लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज, सारा सब कुछ बताऊंगा। हाईएस्ट पैकेज 78 लाख है, सिविल का गया हुआ है हाईएस्ट पैकेज, केमिकल 34 लाख, सीएस 72.5 लाख, कॉलेज का हाईएस्ट सिविल में ही गया हुआ है। ट्रिपल ई का 45.03 लाख पर एनम, सीटीसी में है ये सब। ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज, आईसीई 45.03 का, मैकेनिकल 27 लाख का, एमएमई मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 38 लाख का, प्रोडक्शन 31.95 लाख पर एनम का। बात करें लोवेस्ट पैकेज की, तो 3.61 लाख पर एनम, लोवेस्ट भी सिविल की ही गई है, हाईएस्ट भी सिविल की गई है। केमिकल 6 लाख का लोवेस्ट गया है, बहुत अच्छी बात है। सीएस में 8 लाख का लोवेस्ट है, 8 से नीचे हुआ ही नहीं। और बात करें ट्रिपल ई के, हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख, ईसीई 5 लाख पर एनम, आईसीई इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल 5 लाख पर एनम, एलपीए लैक्स पर एनम है, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। एमई मैकेनिकल 5 लाख पर एनम, एलपीए लैक्स पर एनम, एमएमई मेटलर्जिकल 5 लाख पर एनम, प्रोडक्शन 5 लाख। तो सबसे लोवेस्ट भी और हाईएस्ट भी सिविल का ही गया है। एवरेज पैकेज दिखाता हूँ और उससे भी इंपॉर्टेंट मीडियम पैकेज भी बताऊँगा। तो सिविल का एवरेज पैकेज 10.15 लाख पर एनम का है, कमाल का है। केमिकल 11.13 यार। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सीएस 25.97 लाख का, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप सबके लिए मैं डेली लेके आता हूँ। ट्रिपल ई का 19.34, जो कि सपोज़ यार अभी बताता हूँ मैं आपको, ईसीई 20 लाख का एवरेज पैकेज है, जो कि एनआईटी कैलिकट का सीएस का एवरेज है 20 और एनआईटी रौकेला का, देख सकते हो। आईसीई की बात करें 14.49, तो यार बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स गई है। मैकेनिकल 9.59। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम पैकेज होता है, क्योंकि एवरेज तो यार ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। देखो सिविल का कर गया क्योंकि हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा था। यहाँ पर मैं आपको मीडियम पैकेज भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो यार, सबसे कम जो एवरेज पैकेज गया वो मैकेनिकल का है 9 लाख, नहीं तो सारे 10 से ऊपर के हैं। मीडियम पैकेज सिविल 8.1 लाख। देखो यहाँ मीडियम कम हो जाता है, क्योंकि मीडियम ज़्यादा चीज़ें बता देता है। बाकी यहाँ पर बात करें मीडियम पैकेज केमिकल की, 10 लाख का है, जो कि अच्छा बोलूँगा बहुत। सीएस का 26.1 लाख का, कमाल का मीडियम पैकेज गया यार। ट्रिपल ई के लिए 18.92 है। अगर मैं प्लेसमेंट वाइज रैंकिंग्स करूँ एनआईटीज की, तो यार टॉप 2-3 में तो आप एनआईटी त्रिची को रख सकते हो। 1 पर तो एनआईआरएफ ने रखा है। यहाँ पर मीडियम पैकेज ईसीई का 19.15, मैकेनिकल देख सकते हो सारे।
बाकी एनआईटी त्रिची की प्लेसमेंट्स आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, तो मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आता हूँ जो कहीं अवेलेबल नहीं होती और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप सभी के लिए। टोटल स्टूडेंट्स 892 हैं बीटेक बैच में, जिनमें से 693 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, बहुत कम ने किया क्योंकि वहाँ पर मोस्टली यार फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स प्लेस 627, जिनमें से जो प्लेसमेंट रेट गई 90.5% की है जो कि बहुत अच्छी है, और हाईएस्ट पैकेज 78 लाख का है जो कि दिखाया था अभी सिविल इंजीनियरिंग का है। लोवेस्ट 3.61 अगेन जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है। मीडियम पैकेज जो है एनआईटी त्रिची का वो 12 लाख पर एनम का है, और ये सब ऑफिशियल डेटा था, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगेन बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि वीडियोज़ डेली लेके आता हूँ, चाहे प्लेसमेंट्स, कट ऑफ्स, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग, इन सब पे। और जो सर ने अपनी 2023 की कट ऑफ्स भी रिलीज़ कर दी है, तो मैंने 3-4 कॉलेजेस की कट ऑफ बता भी दी है कुछ IIT NIT के, और बताता रहूँगा। तो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।